साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथी इस समय मैं बावला मोड़ पे हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच बैठा हूँ। द्वारका से हमारे पहलवान साहब है, बावला से हमारे जनाब अमरनाथ जी, इधर बुजुर्ग हमारे बैठे हैं। और साथी भी एक बार घुमा दो इधर, थोड़ा सा इधर लाओ। बुजुर्ग ने साथियों एक बात कही है, मैं उसको आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, इस दर्द को। कहीं ना कहीं वो दर्द है एक कौम के प्रति, इलाके के प्रति। बुजुर्ग ने कहा है अगर ये नशा ऐसे ही बढ़ता रहा तो हाल ये होगा। आज हमारी उन नशा करने वालों की औरत बाजारे घूम रही है क्योंकि वो नशे की हालत में घर में पड़े हैं, उन्हें होश नहीं है। एक दिन ये आएगा अगर ऐसे ही ये नशा करते रहे। आज तो औरत जा रही है बाजार, कल हमारी बहन बेटियां भी जाएंगी। आखिर वो भी किसी की बहन बेटी है लेकिन वो औरत के रूप में है, फिर उनकी बेटियां भी जाएंगी और फिर आप देख सकते हो हमारी इज्जत तार तार होगी, हमारे क्या हालात होंगे ये बयां नहीं किया जा सकते। एक बुजुर्ग का दर्द आप खुद सुनिए। बुजुर्ग बताओ। बाबा क्या नाम है आपका? नंबरदार। कौन सा गांव है? ग्वारका। अच्छा, नशे के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं आप, जिस तरह नशा मेवात में फैल रहा है? नशा मिल के कैसे भी जी, हाँ कैसे भी आप बंद करो। अच्छा, और हमारी जनानी जिनके नशे में बाजार में घूम रही है, खुली घूम रही है, लेकिन दो चीजें बंद कर देती है। अच्छा, आप अपील करें नौजवानों से, जरूर हाथ जोड़ कर अपील करें भाई। इस तरह बात छोड़ दें जी, सभी गाँव वासी प्लीज थोड़ा सा। मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ जी, एक जो ये नशे गी रहे हैं तो अपने घरे पड़े रहा, इनकी जो बहू बेटियां सारी बाजार में घूमा, मतलब इनने फिर कहा हो से जब ये नशों करके ही घरे पड़े इनके लिए गए तो कहीं सुना लिया, कहीं सुना ला लिया। बिहाई तो हो रही है और हमारे तावड़ अंदर अमूमन हो रही है। अच्छा, अब जो ये नशे गी रहे हैं तो अपने घरे पड़े रहा, इनको तो रुपया चाहिए, सौदा ला रही है, जनानी जा के ला रही है, वो बिहाई तो हो रही है। सिर्फ यह उद्देश्य हो रही है कि नशो कर रहे हैं, इनमें कोई होश नहीं। बात यार भाई, यूं नशो बिल्कुल बंद होना चाहिए और यहाँ पर बिरादरी इकट्ठी होकर काम काम सारे कहाँ या बात है भाई, यहाँ नशे है बंद करो। क्या नाम है बाबा आपका? खुर्शीद है जी। खुर्शीद, साथियों आप देख सकते हो इन बुजुर्गो के अंदर एक दर्द, कौम के प्रति दर्द। लेकिन आखिर बुजुर्ग कर क्या सकता, दुआ कर सकता अल्लाह से। लेकिन इनका अगर ये आखिर सोचो, एक बुजुर्ग को सोच पड़ रही है, क्या नौजवानों तुम आगे नहीं आ सकते? गांव के अंदर 5 से 4 लोग होते हैं जो नशा बेचते हैं, क्या 4 लोगों को नहीं रोका जा सकता? 4000 की आबादी 4 लोगों को नहीं रोक सकती? डूब मरो, तुम्हारे लिए कोई जगह हो तो मेरे बेवातियों, उन 4 लोगों को रोको, उनको समझाओ, सामाजिक लेवल पर समझाओ। अगर वो नहीं मानते तो उनको पकड़ के पुलिस को दो और खड़े हो जाओ लाठी लेके, टीकरी पहरे शुरू कर दो। खुदा की कसम हर जराइम रुक जाएगा और तुम तरक्की कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, दुनिया में भी आखिरत में दोनों जहां कामयाब हो जाओगे। कमांडो टीम मेवात तुम्हें अपील करती है तुम सबसे, तुम लोग आगे बढ़ो और समाज के लिए अच्छे काम करो और समाज की भलाई के लिए काम करो। साथियों नशे से बिल्कुल बचाओ अपने नौजवानों को, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।